हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की जो फ्री स्मार्टफोन योजना है, जिसके अंदर 1.33 करोड़ महिलाओं को जो फ्री में स्मार्टफोन मिलने वाले हैं, वो कब मिलेंगे, कितने प्राइस का होगा और कहां से मिलेगा, पूरी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही नॉलेजबल वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, महिलाओं को जो 7,500 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन है वो चौथी सालगिरह पर वे मिलने वाले हैं। तो चौथी सालगिरह जो स्टार्ट होने वाली है 1 जून से, तो 1 जून से ये स्मार्टफोन है वो महिलाओं को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और गहलोत सरकार 1.33 करोड़ महिलाओं को 7,500 करोड़ रुपये के स्मार्टफोन खरीद रही है और सरकार ने 1.33 करोड़ हैंडसेट 3 साल तक फ्री 4G इंटरनेट के साथ सप्लाई करने का भी टेंडर जारी कर दिया है। और हर स्मार्टफोन की कीमत है वो करीबन 5,639 रुपये होने वाली है। तो दोस्तों, आपको 5,639 रुपये का मोबाइल है वो सरकार की तरफ से फ्री में मिलने वाला है और गहलोत सरकार की चौथी सालगिरह से महिलाओं को मोबाइल हैंडसेट बांटने की तैयारी में है। तो दोस्तों, ये सरकार की चौथी सालगिरह है, उसके ऊपर ही मोबाइल बांटने का काम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो सरकार की एजेंसी राजकॉम ने 2 दिन पहले ही टेंडर जारी किया है और टेंडर की कुल कीमत है वो 7,500 करोड़ है और इसमें 1.33 करोड़ स्मार्टफोन, 3 साल की इंटरनेट सुविधा भी शामिल है। और देश भर की मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां भी इस टेंडर में हिस्सा लेने वाली है। तो दोस्तों, इसको लेकर 23 मई को 3 बजे एक बैठक भी रखी गई है और इस बैठक में क्या कुछ निकलता है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गहलोत ने बजट में की थी घोषणा, लाभार्थी महिलाओं का रिकॉर्ड सरकार के पास पहले से अवेलेबल है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल बजट में 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। सरकारी मोबाइल फ़ोन परिवार की मुखिया महिला को दिए जाएंगे जिनका नाम जन आधार कार्ड में है और मोबाइल के साथ 3 साल तक का डेटा भी फ्री होगा। और जिन महिलाओं को मोबाइल दिए जाने उनका पूरा रिकॉर्ड है वो सरकार के पास पहले से ही है, तो उस रिकॉर्ड के हिसाब से ही सिम में वो अलॉट कर दिए जाएंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये मोबाइल आपको मिलेगा कहाँ से। तो जिला और ब्लॉक लेवल पर होगा डिस्ट्रीब्यूशन, ईकेवाईसी करवानी होगी। तो स्मार्टफोन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जिला और ब्लॉक लेवल पर होगा। जिन महिलाओं को मोबाइल दिए जाएंगे उन्हें ईकेवाईसी करवानी होगी और आईटी विभाग इसके लिए समय व जगह तय करेगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मोबाइल आपको कब से मिलने वाला है और कितने का मोबाइल होगा और कहाँ से मिलेगा, पूरी जानकारी मिल गई होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।